कि पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम से जनता परेशान है, लेकिन ये परेशानी का भंवर अभी थमने वाला नहीं है। क्यों, देखिए रिपोर्ट। ये उसी मुंबई की तस्वीरें हैं जो महामारी की पहली लहर में कोरोना कैपिटल बनकर सामने आई थी। कोरोना से सबसे ज्यादा नुकसान मुंबई में ही हुआ था। एक बार फिर मुंबई कोरोना लहर की चपेट में है। ये मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके की तस्वीरें हैं जहां एक हफ्ते से रोजाना 100 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग यहां बिना मास्क पहने नजर आ रहे हैं। वो तस्वीरें हम दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से लोगों की भीड़ आपको नजर आएगी। बस में चढ़ने के लिए ना आपको किसी तरीके की सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कोई नजर आएगा, ना ही यहाँ पर कोई अपने सुरक्षा का ध्यान दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि कोरोना रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। आने वाले टाइम पे अगर इसी तरीके से केस हुआ तो हो सकता है कि रातों में जो कर्फ्यू हो या इस तरीके के जो बड़े एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ गर्दी ज्यादा होती है उसके ऊपर पहली बंदी ला सकते हैं। महाराष्ट्र के विंटर कैपिटल नागपुर में भी कोरोना फिर से डरा रहा है। नागपुर में पिछले 7 दिनों में कोरोना के 7,941 केस सामने आए हैं। नागपुर समेत पूरे विदर्भ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अमरावती, अकोला, वर्धा, चंद्रपुर, यवतमाल, बुलढाणा और भंडारा में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से प्रशासन की तरफ से लगाई जा रही सख्ती जारी है। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार ने एक बार फिर पूरे देश के लिए डर पैदा कर दिया है। तो महाराष्ट्र के लोग ये समझ लें कि अगर वो संपूर्ण लॉकडाउन नहीं चाहते हैं तो उन्हें सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि सावधानी ही सुरक्षा है। ABP News आपको रखे आगे।